धारणाओं से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी जिंदगी धारणाओं पर आधारित है। उसे कहते हैं पॉइंट्स ऑफ व्यूज, बिलीव्स, मेरा मानना है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा मानना है कि पैसा मेहनत से मिलता है, हार्ड वर्क से मिलता है। मेरा मानना है कि मेरा नसीब खराब है, मेरा मानना है कि दूसरों के साथ अच्छा होता है, मेरे साथ अच्छा नहीं होता, वगैरह वगैरह। ये हमारी धारणाएं हैं जो बचपन से हम फॉर्म करते आए हैं, बाय करते आए हैं, सुनकर या परिस्थितियों से हमने ये सीखा है। सो नाउ व्हाट डू वी हैव टू डू, हमें अपनी धारणाएं कैच करनी है। लिसन टू व्हाट यू आर टॉकिंग टू योरसेल्फ इन योर माइंड और टू अदर्स। मेरा तो बैंड बचा हुआ है, ये नहीं है, वो नहीं है। हमें एहसास नहीं होता कि हम ये जो कैजुअली कमेंट्स पास कर लेते हैं ना, वो काम कर रही है, वो हमारी हकीकत बनने जा रही है। हम एक निर्माण कर रहे हैं फ्यूचर का। हम मैंने आज ये स्टेटमेंट बोली, मेरा फ्यूचर उस पर निर्माण हो रहा है। मैंने आज ये स्टेटमेंट बोली, उस पर मेरा फ्यूचर निर्माण हो रहा है। आपने थ्री इडियट्स देखी होगी, जिसमें आमिर खान कहता है ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। क्या ऑल इज वेल था उसकी लाइफ में? नहीं। ऑल इज वेल कहने से ऑल इज वेल होने लगा। तो ये एक एग्जाम्पल है। उसने ना इम्पॉसिबल पॉसिबल कर दिखाया। क्लाइमैक्स का जो सीन था ना, वो डॉक्टर था ना, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी थी, कर्फ्यू था, कुछ भी नहीं था उसके पास साधन, और उसने कॉम्प्लेक्स केस को पॉसिबल कर दिया। वो तो फिल्म थी, लेकिन जीवन में भी ऐसे चमत्कार देखे गए हैं ना। तो इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया जा सकता है। कैसे? हम जो बोल रहे हैं उस पर नज़र रख के, अपनी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए हैं। हम अपनी लाइफ के एल्केमिस्ट बन सकते हैं, हम मिट्टी से सोना बना सकते हैं। ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो हमें भी अपना फ्यूचर जैसा चाहिए वैसे गढ़ने में मदद कर सकता है? देखते रहिए।